हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग झूनो एडिट्स। तो गाइस, ये वीडियो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली मेरा नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूं आप सभी के पास कि जैसे कि कल है एकादशी, तो ये निर्जला एकादशी है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हो निर्जला एकादशी तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर एकादशी करोगे तो आपको मतलब कि और जो पूरा साल में जो 23 एकादशी है उसका भी फल आपको मिल जाएगा इस एकादशी में। आपको वो एकादशी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं करते हो और सारे एकादशी आप करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला रहो पूरा दिन। आप जब तक रह सकते हो निर्जला उस दिन कल, तो आप रह सकते हो। उसके बाद आप पानी पी सकते हो और एक टाइम भोजन ले सकते हो। तो वैसे करके आप जैसे कि दूसरा एकादशी करते हो वैसे ही आप ये एकादशी भी कर सकते हो, अगर आप सारे एकादशी करते हो तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए, और आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो और बहुत ही खुश हो। तो थैंक यू सो मच, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मेरे को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचा सकूँ। तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद वंदे मातरम गाइस, प्लीज़ स्टे ब्लेस्ड बाय डूइंग एकादशी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।